ठारका और शेरीपुरा के आवाम के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ है। अभी तक जो हमारी रोड है 15 साल से बनी है, सब लोग आते हैं गरीबों लोगों से वोट लेके जाते हैं, उसके बाद गरीबों को कोई थूकता भी नहीं है। उसके बाद इतनी एप्लीकेशन हमें AW साहब से, जे से हमने बोला, मैडम से हमने बोला कि हमारी रोड को थोड़ा देखो, और उसके बाद हमारी रोड पर कोई नहीं आता है। जिस टाइम उनको वोट की ज़रूरत होती है उस टाइम हमारे दरवाजे पर रात और दिन आते हैं, हमारे गरीब लोगों को उस टाइम ठगाते हैं। आज भी हमारे रोड की हालत देखो, ये हमारे ठठारका से और शेरीपुरा तक जो हमारी 2 किलोमीटर रोड है, इसमें पाइपें 2-4 डाली हैं, वो खाली मिट्टी के ऊपर डाली हैं, और इसमें पैदल चलने का बिल्कुल रास्ता भी नहीं है। जब तक DDC चेयरपर्सन को वोट की ज़रूरत थी, तब तक रात दिन लोगों के घरों में जाते थे और दरवाजे खटखटाते थे, और जब इलेक्शन के बाद यहाँ पे कोई नज़र नहीं मारी उसने, और नौजवानों के साथ, बुजुर्गों के साथ गलत वादे किए, हम रोड देंगे, हम सड़कें देंगे, हम नालियाँ बनाएंगे, हम पुल बनाएंगे, कोई काम नहीं हुआ है। और जब से वो DDC चेयरपर्सन बनी है, तब से कोई चक्कर नहीं इस ठठारका के सरजमे पे नहीं लाया, कोई वोट नहीं देना है। अब लोग समझ गए हैं अब क्या करना होगा आइंदा इलेक्शन के लिए। जो हमारा संगलान से लेके हायरसकंडरी तक रोड है, इसको ब्लैक टॉप किया गया। जिस टाइम पे इसको ब्लैक टॉप किया गया, इसको अच्छे से ब्लैक टॉप नहीं किया गया। उसके बाद एक साल के अंदर अंदर ही उसमें खड्डे पड़ गए, इवन कि यहाँ तक कि आज उन खड्डों को मिट्टी की वजह से भरा जाता है। आज यहाँ पे उन खड्डों में मिट्टी डाल दी जाती है, ऊपर से उनके ऊपर जब रोड डंपर चढ़ते हैं तो मिट्टी में वो फंस जाते हैं, जो गाड़ियाँ होती है फंस जाती हैं, यहाँ से स्कूल की गाड़ियाँ जाती है, यहाँ से बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ जाती है, लोग परेशान है। पीछे जो रोड संगलान से ठारका हरसकंडी तक जो रोड है PMGSY के अंडर रोड है, वो भी नाकाम रही, और वहाँ ठारका हरसकंडी से लेके शेरीपुरा मस्जिद तक जो है हमारा 1.5-2 किलोमीटर रोड है, इसकी भी बुरी हालत है, खस्ता हालत है कि ये PWD के अंडर है, वो डिपार्टमेंट भी नाकाम है। इसमें कुछ ये रोड़ी छोड़ी बिछाई गई थी ना, इसको ब्लैक टॉप किया गया, पीछे जो कलवट डाले गए हैं इसमें मिट्टी में डाल